बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी आंदोलन की राह पर भारत सरकार की नीतियों के चलते बीएसएनएल का ग्राफ गिर रहा है। बीएसएनएल 5G के जमाने में 2G को 3G की सुविधाएं दे रहा है। भारत सरकार के राज्य मंत्री ने 4G के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है। जियो से बीएसएनएल एवं अन्य कंपनियों को भारी नुकसान है। जियो को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, जिससे बीएसएनएल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 2G और 3G को नकार रही जनता कर्मचारी में व्याप्त असंतोष। कर्मचारियों ने कहा, भारत सरकार जिम्मेदार है। जिस प्रकार से जियो को बढ़ावा दिया गया, यदि बीएसएनएल को दिया जाता तो हम भी आगे होते या साथ ही साथ आर पार के आंदोलन के लिए तैयार होते। बीएसएनएल कर्मी नरसिंहपुर बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएसएनएल के अभी नरसिंहपुर जिले में वर्तमान समय में 89 2G के टावर हैं और 33 के करीब 3G के टावर हैं, और हमारा जो नया फेज भी आया है उसमें भी 2G और 3G का ही टावर हैं। क्योंकि 4G का स्पेक्ट्रम अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, इसलिए 4G के टावर तो अभी एक भी नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि आवंटन किया जाता है तो वो भी शीघ्र ही लगेंगे। तो क्या क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं कि आधुनिक युग में जो उपलब्धियां होना थी बीएसएनएल की वो नहीं है, आखिर कौन इसके पीछे? अब ये तो देखें, सर्वे विदित है कि 8 माह पहले हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम 4G का स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देखें आज के समय कितना कंपटीशन का योग है, वैसे ही हम लोग इतने पीछे हो चुके हैं, और जितना ज़्यादा डिले गवर्नमेंट करेगी उतने ही ज़्यादा पीछे हम लोग होते जाएंगे। और यह गवर्नमेंट को ही देना है वो 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन, ये हम लोग को आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्यों नहीं कर रही है। लगभग 5G का युग आने वाला है और आज भी बीएसएनएल 3G के युग पर चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 5G की यानी टेस्टिंग भी कराने लगे हैं, अलग अलग लोगों से एग्रीमेंट भी हो गया है, लेकिन अभी हमको 4G का ही स्पेक्ट्रम नहीं मिला तो हम 5G की बात आगे कैसे कर सकते हैं? तो क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियां उनको सहयोग कर रही है? क्या सरकार ने आज तक मना भी नहीं किया है कि हम 4G नहीं दे रहे हैं, और दे भी नहीं रही है सरकार, तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि यानी कि पार्सिलिटी कर रही है बीएसएनएल के साथ। जियो की यदि हम बात करते हैं तो जियो को जो बढ़ावा 4% मिल रहा है उससे बीएसएनएल का कितना नुकसान है? उससे तो देखें जियो के कारण तो सारी कंपनियों का नुकसान है, जो भी टेलीकॉम कंपनी, और बहुत सारी कंपनियां तो बंद भी हो गई हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि बीएसएनएल को भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह कॉम्पिटिशन के दौर पर ऐसे युग में आया है और एकदम रेट उसने ऐसे रखे हैं कि जिससे यानी सर्वाइवल का वो पैदा हो गया है कि हम लोग सर्वाइव करना भी मुश्किल होते जा रहा है।